अविनाश पांडे से खास बातचीत की। अविनाश पांडे ने कहा कि राफेल मामले को लेकर कांग्रेस 25 अगस्त से प्रदेश में धरना प्रदर्शन शुरू करेगी। राहुल गांधी के साथ बैठक के बाद अविनाश पांडे जी बाहर आए हैं, उनसे बात करते हैं कि किस मुद्दे पर बैठक हुई है। पांडे जी, क्या रहा आज बैठक का मुद्दा? देखिए, आज का बैठक अति महत्वपूर्ण बैठक थी। एक तो केरल में जो हमारे देशवासियों के ऊपर जो मुसीबत आई, जो आपदा आई है, उस आपदा में पूरे कांग्रेस जनों को, पूरे देश के कांग्रेस जनों को आगे बढ़ चढ़कर उनकी मदद के लिए आगे आना है, और इसके लिए ज्यादा से ज्यादा मदद किस प्रकार से हम जुगाड़ करें वो एक दिशा निर्देश दिया गया। साथ ही देश में जो एक बहुत बड़ा राफेल के नाम पर जो सुरक्षा सौदा हुआ है, सभी नियमों को ताक पर रखकर जो अनियमितता बरती गई है, और इस मुद्दे को लेकर पूरे देश में कांग्रेस जन गांव-गांव में जाएंगे, ढानी-ढानी में जाएंगे, और इसके बारे में लोगों में जन जागरण करकर एक ही चीज लोगों तक बतानी है कि जो व्यक्ति अपने आप को देश का चौकीदार बोल रहा है वो चौकीदार नहीं बल्कि इस सौदे में साझेदार है। मतलब चुनावी मुद्दा रहेगा राफेल जो डील है वो पूरा? निश्चित रूप से ये चुनावी मुद्दा ही नहीं, देश के सामने में जो इतनी भारी जो अनियमितता हुई है उसके माध्यम से लोगों की गाड़ी कमाई का पैसा जिस प्रकार से लुटाया गया है वो लोगों के नजर में लाना। राजस्थान की प्रभारी, खासतौर से राजस्थान चुनाव को लेकर कुछ चीजें बातें आई हो, चर्चा की हो? राजस्थान चुनाव को लेकर नहीं, लेकिन इस मुद्दे को लेकर आने वाले 25 सितंबर से और 25 अगस्त से 5 सितंबर तक हम ये प्रदर्शन जगह जगह पर करेंगे, और उसके बाद में 7 से लेकर 15 सितंबर के बीच में जिला स्तर पर ये निर्देशन ये आयोजन किया जाएगा। शुक्रिया। जो पांडे जी का कहना है कि पूरा राफेल मुद्दे को लेकर और केरल में जिस तरीके से आपदा आई हुई है उनको लेकर के खासतौर से मीटिंग थी, लेकिन चुनावी जो मुद्दा बनाया जा रहा है राफेल को, वो पूरा कांग्रेस जनता के बीच जाएगी और उसके बाद जो है चुनाव में 2019 चुनाव में भी इसका फायदा मिलेगा, ऐसा उनका विश्वास था। जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी को उन्होंने कहा कि चौकीदार का काम करें, लेकिन वास्तव में भ्रष्टाचार कर रहे हैं वो। कैमरामैन लोकेंद्र के साथ मनोहर विष्णु, जी मीडिया, दिल्ली।